लिहाजा आज के बाद से वाले बुराई करना छोड़ दिया, क्योंकि दीवारों के कान होते हैं। हो सकता है कोई आपके पड़ोसी दीवार बना के आप लोग की बातें सुन लेता। आइए ये सीधा कम से तुम्हारी निकाल लेगा। नहीं यार, श्रीलंका समुद्र ऊपर तो पार समुद्र फैलता। अरे भाई ये गुफा दिल्ली से लाहौर तक पहुंचाएगा, लखनऊ से लाहौर समुद्र के अंडरग्राउंड में खबर है। श्रीलंका जाना तो मत जाओ यार। अभी कौन से कोई द्वार लिखा हुआ नहीं, कौन से द्वार है ये? यहाँ से फोटो लेते हैं। ये छत है, ये छत है, ये गुंबद की छत है। आते रहिए भैया, इधर आइए आगे, आते रहिए आगे तो बेटा तब और आइए इधर आइए बनाता इधर आइए। एक मिनट बेटे रुक जाओ, तो हम आपको लिखे मकसद समझाएं। सब लोग आ जाएंगे पहले, सब लोग आ जाइए बेटे। हेलो लड़कियों आ जाओ, अच्छे बच्चों आ जाओ। हेलो देखो बेटे, आजकल जमाने में जो बिल्डिंगे बनती हैं वो बनती हैं मोरंग सीमेंट से, और जो बिल्डिंगे मॉडर्न सीमेंट से बनती हैं उनकी उम्र 60 साल 100 साल। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई लकड़ी कोई लोहे का इस्तेमाल, इसके अंदर गोंडो मसाला मिला, इसके अंदर सुरखी चूना गोंद उड़द की दाल गन्ने का रस अंडे की दर्जी सीप सिंगाड़े का आटा गुड़ ये सब मसालों को मिक्स बनाए। फिलहाल अगर आप लोग गुड़ मिले भूल जाइएगा तो भूखे नहीं रहिए, खाने पर इंतजाम करा दिए है ना। इस बिल्डिंग का मालिक नवाब आसिफ दौला था, इसके इंजीनियर का नाम था कफैतुल्ला। ये बिल्डिंग उस टाइम बना था जिस टाइम पे यहाँ अकाल पड़ा था, यहाँ भूख मरी हुआ था। तो नवाब लोगों ने पहले गरीबों की मदद करने की कोशिश की थी, जो कोरोना टाइप हुआ तो उस टाइम लोग इज्जतदार हुआ करते थे। वो कहते ना साहब मैं भूख के मारे मर जाऊंगा मगर बिना काम के पैसा नहीं लूंगा। जब नवाब साहब ने हमारा ये क्वेश्चन देखा कि हमारी जनता भूख के मारे मर जाएगी बिना काम के, लेकिन तो उन्हें कहा ठीक है जो लोग काम करना जानते हैं वो लोग दिन में आएंगे, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं जिससे काम नहीं हो सकता उनसे कहते थे रात में आइए। तो दिन में गरीबों से कहते थे इसको बनाइए, और रात में पढ़े लिखों से कहते थे आप आज तक गिराइए। तो दिन में इसको बनवाने का ही पैसा देते थे, रात में गिराने का भी। अब जब लोगों का पेट भरता था लोग इससे दुआ करते थे, जिसको देगा नहीं अल्लाह मौला भगवान उसको देगा नवाब आसिफ दौला। मगर नवाब साहब का कहना यह था मैं कोई अल्लाह मौला भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम लोग से इंसान हूँ, जिसको अल्लाह मौला भगवान ईश्वर नहीं देगा उसको नवाब आसिफ दौला भी क्या देगा। तो ये जो आप लोग टिकट लेते हैं चेटे फन में जाता है, जिसका यहाँ मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक लोगों को खाना खिलाए रमजान का पूरा एक महीना। नीचे हमको मिल रहे थे पतले रास्ते, अब हमको मिलने लगे चौड़े रास्ते। अब हम लोग जो जो बिल्डिंग चढ़ते चले आ रहे हैं ये इंजीनियर सब बिल्डिंग को वेट को कम करता जा रहा है। अगर इंजीनियर पूरी बिल्डिंग को भर देते तो बिल्डिंग में वेट ज़्यादा आता है बिल्डिंग बैठ, क्योंकि साइज वाले अंदर से खोखली है। ये सब इंजीनियर ने बिल्डिंग को वेट को हल्का कर बनाया। अब हम चलेंगे टॉप फ्लोर पे। सर नवाब आसिफ दौला के मालिक थे। सामने सीधे जाके ऊपर चलिए, एकदम सीधे चलिए, एकदम सीधे जाके ऊपर चलिए टॉप फ्लोर पर चौथा माला। हाँ सीधे सीधे एकदम चलिए, सीधे चलिए सीधे चलना है, सीधे सीधे दूसरे रास्ते में घुसाते थे ना कुछ देर, कहाँ सीधे ऊपर चलेंगे, कहाँ ऊपर चलेंगे, सीधे टॉप फ्लोर पे जाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो ग्राउंड फ्लोर आ गया। अरे वो उधर है, सीढ़ी है क्या, सीढ़ी है क्या, नहीं है ये है ये है ये है ये देखो ये निकाल रहा है। चलिए
दीजिए सरप्राइज। आइए भाई, आइए भाई, आगे आइए। सब लोग इधर आ जाइए। हेलो, अबे भाई खोखला है, भूकंप आ गया ठा गया। और नवा हो गया। आइए बेटे इधर आओ, आगे बढ़ के आओ। बाबा यहीं से छोड़ देंगे हम ना। बेटे वहीं खड़े रहो, हम सब बता देंगे खड़े खड़े। हेलो सर, बेटे आपके इधर जितनी नजर जा रही है ये सब आपको पुराना सिटी है। यहाँ का चौक मंडी, इसके आगे नफास है, इसके आगे चार पांच रेलवे स्टेशन दिखता है। और ये जो गुरुद्वारा था दिख रहा है, ये सब यहाँ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, केजीएमसी, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज। हेलो बेटे, सामने आपको इसी रंग की मैजी दिख रही है, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, सामने आपको मैजी दिख रही है, इसी रंग की दिख रही है। हेलो बेटे, एक दिल्ली की जमा मस्जिद है, ये लखनऊ की जमा मस्जिद। अगर आप लोग ने पिक्चर देखी होगी गदर, देखिए, और जहाँ शहीद देवन ने नल उखड़ा है पैर, उसको देखो बेटा, फिल्माया गया, यही बताया गया। लो हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, दोबारा देखोगे तो उसी को दर्शाया गया। आराम से रुक के बता रहे, सामने आपको मस्जिद दिख रही है, एक दिल्ली की जमा मस्जिद है, नखलो की जमा मस्जिद। जो आप लोग ने पिक्चर देखी होगी गदर, जहाँ सही देवन ने नल उखड़ा है पैर, उसको देखो बेटा, फिलवाया नहीं किया, बताया गया लो। लेकिन आप लोग देखा बात बता दे, हाथ सहीजा सहीजे वाला आता है, जो प्लास्टिक का है पैर पे आचार नहीं खड़ पाया। आप लोग चाहो तो सहीजा आके उसकी मदद कर सकते हो। हेलो बेटे, देखिए सामने सफेद वो डूम देखे बैठ करके, वो एक छोटा मैम बाड़ा जो मोहम्मद अली शाह का बनाया है, 1832 में ना था। ये चाचा बनवाने वाले थे, वो भतीजे थे। ये टिकट आपका वहाँ भी काम करेगा। अच्छा बेटे, ये जो हाँ, ये जो आप घड़ी दिख रही है घंटा घर, इसके नीचे एक लाल करके बिल्डिंग दिखेगी, जहाँ नवाबों और बादशाहों के फोटो लगे 8 गैलरी अलमोल कीमत के। उस टाइम पे कैमरा का नहीं, सब हाथ की बनी हुई पेंटिंग तस्वीर है, जो 3 फुट चौड़ाई में और 12 फुट लंबाई में, सब ठीक है। मस्जिद जिधर जरा आप घूमिएगा उधर तक, ये टिकट आपका वहाँ भी काम करेगा। अच्छा, इधर जब सामने जाइएगा एक आपको लाल ब्रिज दिखेगा, उसके नीचे गोमती नदी बह रही है, जिसमें आपने सामान को आने दो, उमरा जान, चौधरी का चांद, छत्तन के खिलाड़ी, गदर, सब मूवी देखी है, सब इसी रोड पर का शूट हुआ है। और ये जो बैठ करके गुरुजी के आगे दिखेगा, बैठ करके बिल्डिंग, यहाँ की टीले वाली मस्जिद है। और उधावाल जितनी नजर जाएगी सब नया सिटी दिखेगा, जो गोमती नगर इंदिरा नगर, उधावाल में सब नया सिटी दिखेगा, इधावाल में जितना दिख रहा सब आपको पुराना सिटी। अब हम आप लोगों को 5-6 मिनट का समय दे रहे हैं, फोटो खींच के आइए, उसके बाद में मेरी भूल भैया खत्म होगी, आग कोई शुरू होगी, फिर 10 नंबर का एक आवाज दूंगा, मेरी आवाज पे आ जाएगी, जाइए फोटो वगैरह खींच लीजिए। क्या बेटा, आराम से फोटो वगैरह खींच लो।